नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर वर्ष, हर महीना, हर दिन उसकी जानकारी मनुष्य चाहता है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। और पहले आपको 2022 का वीडियो दिया, राशिफल दिया, जनवरी फरवरी का भी दिया, और अब मार्च का देने के लिए जा रहे हैं। और मार्च के लिए अब हम कर्क राशि वालों को बता रहे हैं, कर्क राशियों के लिए ये मार्च का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली बात ये है कि वृष राशि में बैठा हुआ राहु आकस्मिक लाभ देने वाला है। पहले भी दे दिया होगा और अभी भी ये दे सकता है, लेकिन ये अप्रैल तक का समय है। इसके लिए फल हम मार्च का ही बता रहे हैं, लेकिन राहु अप्रैल तक यहीं रहेंगे और अप्रैल के बाद में वो चेंज होंगे, तो हो सकता है उसके बाद में वो नुकसानदायी हों, लेकिन अप्रैल तक का महीना राहु जो है आपको अच्छा फल देने वाला है। और राहु पेट में कुछ कष्ट दे सकता है, भाइयों से कुछ विवाद करवा सकता है। लाभ तो देगा, लेकिन भाइयों से विवाद, पेट में कष्ट, और पत्नी को भी कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए इस समय पर सप्तम स्थान का शनि, मंगल, बुध और शुक्र ये सप्तम स्थान में सातवीं राशि में जो है कर्क राशि वालों के बैठे हुए हैं, तो शुक्र तो खुद विवाह का कारक होता है, शुक्र आमोद प्रमोद का कारक होता है, भोग विलास का कारक होता है, वैभव का देने वाला होता है, तो ये सुख आप लोगों को प्राप्त होंगे। और शनि यहीं पर बैठ करके आगे अप्रैल के बाद में तो आपको ढैया आने वाली है, लेकिन अभी आपको ना ढैया है ना साढ़े साथी है, महादशा तो आपकी जन्मपत्री बताएगी, तो ये स्थिति आपकी है। लेकिन बृहस्पति आठवां चल रहा है, धार्मिक कार्यों में रुकावट, विद्या के अंदर रुकावट ये बृहस्पति आठवें स्थान में बैठ करके देता है। स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम इस महीने के अंदर चल सकता है। अब हम चलते हैं दैनिक राशि फल के लिए, तो 1, 2 और 3 मार्च जो है वो आपके लिए अच्छी रहेगी, लाभकारी रहेगी, धार्मिक आयोजन हो, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहे, छोटी बड़ी यात्रा जो है आपकी कहीं पर हो सकती है। और 4 और 5 तारीख जो है ये भी आपके लिए ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तारीख ये क्रमशः 10 तारीख तक आपके लिए बहुत ही बढ़िया हैं, श्रेष्ठ हैं, लाभकारी हैं। राजकीय कामों के अंदर, परिवार के कामों के अंदर, पिता के सुख के लिए ये आपके लिए सुखद और अच्छी जो है जाने वाली है। और सज्जनों, अब चलते गए हम 11, 12, 13 तारीख में, ये आपके लिए खर्चीली रहेंगी। खर्च किस प्रकार का होगा ये तो 11, 12, 13 तारीख बताएंगी, लेकिन कोई ऐसा खर्च नहीं होगा या ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा जो कि जैसे किसी का धन छिन जाता है, लुट जाता है, वो बातें नहीं होंगी, हाथों से ही खर्च होंगे। और 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तारीख ये 6 दिन आपके लिए मन को प्रसन्नता देने वाले, परिवार में उत्सव मनाने वाले, मेल जोल बढ़ाने वाले, कोई ऐसा प्राणी भी आपके जीवन के अंदर आ सकता है जो खुशियों का कारण बने, मित्रों से, भाइयों से सहयोग और सुख जो है ये 6 दिन आपको देने वाले हैं। और अब 20, 21, 22 तारीख ये कुछ उद्विग्न रखने वाली हैं, मन में चिंता पैदा जो है करने वाली हैं, अनहोनी सी मन के अंदर जो है घटित होने की संभावनाएं मन के अंदर बनी रहें, यानी अकारण भय जो है मन के अंदर बना रहे, वो भय किसी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, किसी प्रकार से भूमि, भवन, वाहन और माता का भी हो सकता है। 23 और 24 तारीख ये पुत्र के लिए, अपने लिए, पढ़ने वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है, कोई भी फार्म इसके अंदर भरा जा सकता है, उसके अंदर आगे चल करके आपको
वृद्धि को देने वाले या सफलता देने वाले हो सकते हैं। अब 25 और 26 तारीख ये कुछ विवाद की हो सकती है। विवाद क्या हो सकता है? बैठे बैठे कोई बात हो जाए, बात से विवाद, और विवाद से फिर बाद में जो है प्रतिवाद हो सकता है, उससे कुछ भी जो है भयंकरता उसके अंदर आ सकती है, तो उससे आप सावधान रहें। अब आगे चलते हैं, 27 28 तारीख जो है ये आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपकी पत्नी के साथ, प्रेसी के साथ, प्रेमी के साथ और आपके साझेदार के साथ अच्छा जो है समय गुजारने वाला है। जो भी आपका साझेदार है, पार्टनर है, जो है लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ में अच्छे संबंध और कोई काम जो है उलझे हुए कार्य सुलझने का यहाँ पर अवसर आपको प्राप्त होगा। 29 और 30 तारीख ये कुछ पीड़ाकारक होंगी, कष्टकारक होंगी, तो उनको आप दो दिन को टालिएगा और उससे आप बचिएगा। और फिर 31 तारीख आपके लिए बहुत ही खुशियों को लेकर के आने वाली, अच्छा फल देने वाली है, तो ये आप अपने जीवन के अंदर इसको आप उतारिए। और कृपया जब भी कभी फ़ोन करें तो आप फ़ोन सुबह 10 बजे से और सायंकाल 6 बजे के बीच में करें, इसके आगे पीछे हो सकता है आपका फोन अटेंड ना किया जाए। नमस्कार। देवज्ञ सचिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।